हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। 1800 एमसीक्यू जीके जीएस की सीरीज का टेस्ट कोड होगा 28। इससे पहले हम 27 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और हमने 1800 एमसीक्यू कवर करने हैं। जो आने वाला पेपर पीपीएससी फॉरेस्ट असिस्टेंट, टाउन प्लानर या आपका पेपर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लर्क पेपर, पटवारी पोस्ट, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एसएससी एंड ऑल एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही खूबसूरत सीरीज है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले कुछ सालों में पेपरों में आए हुए हैं। आपको जैसे कि पता होगा कि आप सब ने जैसे कि यूपीएससी का रिजल्ट आया था, चाहे वो पीपीएससी जुडिशियल का रिजल्ट आया है, तो आप सब ने उनके इंटरव्यूज सुने होंगे जितने भी लोग सिलेक्टेड हुए हैं। तो गिल्ज मेंटोर की ऐसे विद्वान बंधुओं के साथ शुभकामनाएं हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने नहीं सुना है तो कम से कम आप ऐसे लोगों का इंटरव्यू सुने और आपको खुद मालूम होगा। उनका ये कहना है कि पिछले जो 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे ज्यादातर हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, हमें स्ट्राइक होता है हमारे दिमाग में कि हाँ इस तरह का पैटर्न पेपर में आ रहा है। तो उसी पद्धति को हम लोग आगे कंटिन्यू रखते हुए, उसी सिस्टम को हम लोग कंटिन्यू करते हुए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मिक्स करके कुछ नए क्वेश्चंस हमारी तरफ से रखे जाते हैं। मैं आपके लिए वही लेके आऊंगा और जिसके एडिशनल फैक्ट आपको दे दिए गए हैं। आप वीडियो को आराम से पॉज करेंगे, आराम से समझेंगे ताकि आपको बार बार रीडिंग करने की जरूरत नहीं पड़े। गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है और आप चाहते हैं कि आप तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट टाइम टू टाइम होती रहे, तो आप गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और दूसरी बात, आप सबको मालूम है मुझे कहने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े, आप समझदार हो, सियाने हो, ठीक है, और आगे मैक्सिमम टाइम तक आप शेयर कर दिया करें ताकि मैं चाहता हूं कि जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएं और फिर मैं आप सबके लिए लाइव क्लासेस हम लोग शुरू कर देंगे बहुत जल्दी से, ठीक है। क्लास की शुरुआत से पहले मोटिवेशनल थॉट आपके लिए बहुत जरूरी है कि डोंट वॉच द क्लॉक, डू व्हाट इट डज कीप गोइंग। तो एक बेसिकली थॉट ये भी दिमाग में आती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप में से जो भी वीडियो देख रहे हैं वो पढ़ते जरूर हैं, लेकिन एक होता है पढ़ना और एक होता, जैसे कि मैं पहले बताता हूं, रीड करना और रीडिंग मारना। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जिज्ञासा होती है, जिनके अंदर सिर्फ फोटो देखना और जिसकी हेडिंग रीड करना, लेकिन हमारे में से ऐसे भी होते हैं कि वो सिर्फ न्यूज की गहराई को पढ़ेंगे कि न्यूज के अंदर किसी ऑथर ने क्या लिखा है, तो वो उनके शब्दों के अंदर उनके शब्द इतने बेहतरीन, वर्ड्स इतने बेहतरीन होते हैं कि वो आगे भी आने वाले पेपर्स के लिए बहुत अच्छा स्कोर अपना देते हैं। तो जब भी आप पढ़ें या जब भी किसी बुक को पढ़ें तो गहराई से पढ़ें, या जब आप स्टडी करने बैठे तो कभी भी घड़ी की तरफ मत देखो कि हाँ टाइम 8 बज गए, 10 बज गए, छोड़ दो। आप ये सोचो कि मैंने आज 200, 300, 400 क्वेश्चन करने हैं जो गिल्ज मेंटोर के द्वारा करवाए जा रहे हैं। आप सोचेंगे नहीं, हम धीरे करवाएंगे लेकिन बॉस्टिक काम करवा रहे हैं और इनमें से 70-80% आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे दिया गया है। फिल्म मंगल पांडे रिलीज इन अगस्त 2005 डील्स विद जलियांवाला बाग ट्रेजडी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस इन 1857, द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी थर्ड आंसर इज द राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर होगा? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1857। इसको यानी जब हम कहते हैं ना कि क्रांति की शुरुआत, बगावत की शुरुआत यहीं से हुई थी और इसी फिल्म में पूरे का पूरा दृश्य दर्शाया गया है। और ये फिल्म के अंदर लीड रोल के अंदर आमिर खान थे और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था किसके द्वारा? खेतान मेहता के द्वारा। 12 अगस्त 2005 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और बेसिकल इस फिल्म के अंदर जो भी रिबिलियन हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता था? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसी के बारे में दे रखा है, आप एडिशनल फैक्ट इसके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 15 अगस्त, 4 अगस्त, 4 जुलाई, 14 अगस्त, 16 अगस्त। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 14 अगस्त होगा। क्यों मनाया जाता है हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं कि जहां तक बात आती पाकिस्तान के अपने स्वतंत्रता दिवस मनाने की, 14 अगस्त 1947 को ईस्टर्न और नॉर्थन वेस्ट रीजन और ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया के अधीन था, तो इनमें से इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुसलमानों की मेजोरिटी थी, ठीक है। इस मेजोरिटी के अंदर कौन कौन से एरिया आते थे? बलूचिस्तान, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वेस्ट पंजाब एंड सिंध आता था। और 1947 से 1956 के बीच में यहां से कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन अंडर द टू बहुत ज्यादा था। और 1947 के बाद में जो किंग जॉर्ज फोर्थ थे उन्होंने इस एरिया का टाइटल था अंपायर का, यानी राजशासक का, वो छोड़ दिया था और वो पाकिस्तान जो एरिया था उसके वो किंग बन गए थे। लेकिन ही रिटेन दैट
टाइटल अंटिल हिज डेथ ऑन द मे बी 6 फरवरी 1952। ठीक है, इसके बाद में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड आती है, वो पाकिस्तान के क्या बने थे, किंग बने, क्वीन बनी थी, और उन्होंने क्या किया था, शी रिटेन दैट टाइटल, पाकिस्तान बिकेम द इस्लामिक एंड पार्लियामेंट्री रिपब्लिक इन 1956। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो मैक्सिमम टाइम तक शेयर कर दिया करें, और आप शेयर कैसे करेंगे, व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, आपके पास ग्रुप बनाए मैसेंजर पे कर दें, फेसबुक पे कर दें, टेलीग्राम पे कर दें, इंस्टाग्राम पे कर दें, ट्विटर पे कर दें। आपका सीओ गिल्ज मेंटोर को चाहिए, इसका एहसान मत समझें आप, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था, के एम करियप्पा, गोपाल स्वामी या बलदेव सिंह, सरदार पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बलदेव सिंह इज द राइट आंसर, ठीक है। एक मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं चाहता हूं कि जो जीके के 1800 एमसीक्यू क्वेश्चन है, लगभग एक एक घंटे के कुछ लेक्चर आपके लिए दे दिए जाएं, क्या आप चाहते हो ऐसा, इफ यू वांट तो कमेंट में जरूर आप बताएंगे, ठीक है। मैक्सिमम जिसकी मेजोरिटी होगी, हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कितने नहीं चाहते हैं, तभी हम इसके लिए तैयार करेंगे। इसके एडिशनल फैक्ट आपको दे रखे हैं कि जब भारत आजाद हुआ था, पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान से, तो उसके अंदर जो बलदेव सिंह थे वाज इंडियन सिख पॉलिटिकल लीडर, वो वाज इंडियन, जो आजाद भारत का मूवमेंट था उसके अंदर थे, तो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट वुमन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वाज, उनका नेम बताना है, नंदिनी, दूसरा डॉक्टर जे जयललिता, ये सुचिता कृपलानी, ठीक है, मिसेस मायावती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सुचिता करपलानी इज द राइट आंसर। सुचिता करपलानी बोर्न द सुचिता मंजुमदार वाज इंडियन फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिशियन इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहां से सी बिकम द फर्स्ट वुमन टू इलेक्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, कब की बात है, 1963। तो ये आपको डेट भी याद रखनी है, ठीक है, 1963 की बात है। तो यहां से बात क्या हुई थी, बेसिकली इन्होंने स्टेट एम्प्लॉयज से उनके लिए स्ट्राइक रखी थी, स्ट्राइक के बेस से ये उभर के आए थे और आगे उनको इस पद के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ वॉज क्या नाम था, जनरल के एस थिमाया, जनरल के एम करियप्पा या एस एच जे एम द मानेकशॉ, नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे बंधु, जनरल के एम करियप्पा इज द राइट आंसर। तो पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, फील्ड मार्शल थे ये आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। हाँ जी, कोंडेनडेरा कीपर या हम इसको मोडापा करियप्पा के नाम से पूरा नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ टोटल रिवोल्यूशन। टोटल रिवोल्यूशन का मतलब है कि हम इसको इस नाम से जान सकते हैं कि संपूर्ण क्रांति के तौर पर किसने दिया था, जयप्रकाश नारायणन, महात्मा गांधी या कार्ल मार्क्स तो या लेनिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायणन। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। चलिए आपको एडिशनल फैक्ट यहां पर दे दिए गए हैं, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें, आराम के साथ देखते चलें ताकि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लें, ठीक है। जयप्रकाश नारायणन वाज इंडियन इंडिपेंडेंस द एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर, रिमेंबर द स्पेशली द लीडिंग द पोजीशन ऑफ इंदिरा गांधी 1970 के अंदर, ये बात है, ठीक है। इन्होंने गिविंग ए कॉल फॉर द पीसफुल द टोटल रिवोल्यूशन ही कॉल्ड ए संपूर्ण क्रांति, जिसे हम कहते हैं 5 जून 1975 की बात है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी स्पोक्स, यानी हमने देखा होगा कि जो हमारा फ्लैग है, तिरंगा है, उसके अंदर गोल सर्कल है, ठीक है, जिसको हम धर्म चक्र के नाम से जानते हैं, इसके अंदर कितनी तीलियां होती हैं, तो नेशनल फ्लैग में 22, 24, 18 और 14, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 24, इसको याद रखना है आपने, ठीक है। और इसमें ट्राइकलर है, उसके बारे में आपको टोटल डिटेल दे रखी है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, द मेथड्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज रिवोल्यूशन, ये जनरल स्ट्राइक या साबोटेज। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप इस एडिशनल फैक्ट को पढ़ के और इसका आंसर दे दीजिएगा, ये इसका एडिशनल फैक्ट है, आराम के साथ पढ़ें और इसका आंसर दे दीजिए। मैं बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द नेम ऑफ एरा ऑन विच द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड। तो इंडिया कैलेंडर आपने देखा होगा, जो हिंदी के अंदर कैलेंडर छापे जाते हैं, माफ करना जरा, तो वो जैसे सक्षमत चलता है, विक्रम एरा या काली एरा या शका, ठीक है, ये नॉन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा थर्ड, यानी हम शका एरा के नाम से इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द क्रिएटर ऑफ द पीस टाइटल। पीस टाइटल के लिए और आपको दे दिया गया है पोर्ट्रेट,
तो आपने बताना है कि इन चार ऑप्शनों के आधार पर इसका सही आंसर क्या होगा। पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर करने की बजाय इसके एडिशनल फैक्ट पढ़ लीजिए आप, ठीक है। और ये एडिशनल फैक्ट आपने पढ़ लिए तो आपके कम से कम दो क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएंगे। मैं बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। द पोटैटो क्रॉप वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय ब्रिटिश, डच, पुर्तगाइज, फ्रेंच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पुर्तगाइज इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं कि सम ऑफ द क्रॉप इंट्रोड्यूस द पुर्तगाई इन इंडिया वर पोटैटो, तंबाकू, ठीक है। पोटैटो वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया द अर्ली पार्ट ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं सेंचुरी शताब्दी की बात है, पुर्तगाइज ने किया था ये, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट कल्टीवेटेड इन सूरत, सूरत के अंदर बात है, ऑन द वेस्ट कोस्ट। फ्रॉम देयर इज द स्प्रेड ऑफ अदर एरियाज लाइक गोवा, फिर इसके बाद में गोवा, विच वर अंडर द पुर्तगाई इन्फ्लुएंस, पुर्तगाइज संधि के अंदर आता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, Which country offered its good office to resolve the Indo-Pak conflict peacefully in the year 1966? USA, Britain, USSR, Japan। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा USSR, जिसको हिंदी में कहते थे संयुक्त संघ। संयुक्त संघ के अंदर काफी जो कंट्रीज आती थी, बेसिकली बात होती है कि ए मीटिंग वॉज हेल्ड इन ताशकंद, ठीक है। अब ताशकंद क्या है? उज्बेकिस्तान, उज्बेक, तो उज्बेक एसएसआर और 21 के अंडर आता था, लेकिन हाँ अब तो उज्बेकिस्तान बन गया, उस वक्त ही यूएसएसआर के अंडर आता था। ये बात है 4 जनवरी 1966 की, ट्राई टू क्रिएट ए मोर द परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। तो इसके एडिशनल फैक्ट आपको दे दिए गए हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। उस वक्त की बात करें, बिटवीन इंडिया प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान, इन दोनों के बीच में करवाने की बात रखी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, After independence, इन आजादी के बाद में हैदराबाद स्टेट ऑफ निजाम वॉज टेकन ओवर बाई द इंडियन गवर्नमेंट थ्रू पुलिस एक्शन, मिलिट्री एक्शन, या आपको चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और इनके आधार पर आपने आंसर बताना है। तो मेरा एक ही आंसर होगा, मैं उस पर चलूंगा कि पुलिस एक्शन के आधार पर। अब इसके एडिशनल फैक्ट आप पढ़ सकते हैं, ऑपरेशन पोलो कोड नेम फॉर द, ठीक है, हैदराबाद पुलिस एक्शन एंड ए मिलिट्री ऑपरेशन सितंबर 1948 को हुआ था। तो आप इसके एडिशनल फैक्ट के आधार पर इसका आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अफगानिस्तान टू टावरिंग बुद्धा स्टेचू वर डिस्ट्रॉयड एट कंधार, या कोलोंग, या बेमियान, या मजार ए शरीफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्यारे बंधुओं, बेमियान इज द राइट आंसर। इसके एडिशनल फैक्ट आपको दे दिए गए, ये 6th सेंचुरी की बात है, ठीक है। मोनुमेंटल स्टेटस ऑफ स्टैंडिंग बुद्धा कर्व्ड इनटू ए साइड ऑफ द क्लिफ द बेमियान वैली इन हजरत रीजन ऑफ सेंट्रल अफगानिस्तान। तो ये इसके एडिशनल फैक्ट आपको दिए इसीलिए कि ताकि आप इसके बारे में अच्छा सा जान सकें। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन आपको दे रखा है, और अंतिम क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है कि जो ये चार आपको जगह दी गई, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि ये यूनेस्को के अंडर कौन सा क्षेत्र नहीं है, नालंदा, अजंता, फतेहपुर सीकरी या एलोरा। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना चाहूंगा कि नालंदा जो है वो नहीं है यूनेस्को के अंडर, बाकी सारे के सारे यूनेस्को के अंडर आते हैं। तो इसमें नहीं वाला पूछा था, हैज नॉट येट बीन रिकग्नाइज्ड, ठीक है। तो गाइस ये मैंने आपको 27 जो टेस्ट सीरीज था उसके बाद का जो पार्ट था वो मैंने आपको करवाया है, ताकि रिमेनिंग क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम टाइम इसको शेयर कर दीजिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगा है। सेकेंडली मैंने पूछा है कि 1800 एमसीक्यू जीके की हम सीरीज कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसके अंदर लगभग हमने 800 के समथिंग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग एक एक घंटे के सेशन आपके लिए रखे जाएं, ताकि आप अलग अलग सेक्शन के तौर पर पढ़ सकें। थैंक यू सो मच गाइस, आपने टाइम दिया, मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।